दिल्ली से शुक्रवार को बेंगलुरु के लिए उड़ान भरने की तैयारी कर रहे एक विमान के इंजन में अचानक आग लग गई। इस कारण से दिल्ली हवाई अड्डे पर आपातकाल स्थिति घोषित कर दी गई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बेंगलुरु जाने वाला A320 विमान बाद में पार्किंग स्थल पर लौट आया तो उसमें सवार 180 लोगों को सुरक्षित उतार लिया गया। वहीं ट्विटर पर एक वीडियो में हवाई अड्डे पर उड़ान भरने की तैयारी कर रहे विमान के एक इंजन से अचानक चिंगारी उड़ती हुई दिखाई दे रही है। नागर विमानन महानिदेशालय ने कहा कि वह दिल्ली हवाई अड्डे पर विमान के इंजन में आग लगने की घटना की एक विस्तृत जांच के बाद उचित कार्रवाई करेगा। गौरतलब है कि दिल्ली से शुक्रवार रात बेंगलुरु की उड़ान भरने की तैयारी कर रहे विमान के एक इंजन में अचानक आग लग गई। बेंगलुरु जाने वाला A320 विमान बाद में पार्किंग वे में लौट आया और उसमें सवार 184 लोगों को सुरक्षित उतार लिया गया। DGCA प्रमुख अरुण कुमार ने कहा कि हमारी प्राथमिकता घटना की विस्तार पूर्वक जांच करने और इंजन में आग लगने की वजहों का पता लगाने की है। खुशकिस्मती यही रही कि आग को तुरंत बुझा दिया गया और विमान अब खड़ा कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि जिस इंजन में आग लगी वह IAEV 2500 था।